अगर आप चाहें तो मुझे पीछे से गोली मार सकते हैं। और बोल देना, म्युनिसिपल कमिश्नर को एनकाउंटर में मार दिया। अच्छा हुआ आपने इस पेपर में साइन नहीं किया, क्योंकि हम लोग ने तो कानून केवल पढ़ा है, इसने पढ़ा भी है और लिखा भी है। अब यह खड़े रहकर गाना मत सुनाओ, जाओ जाओ हॉस्पिटल पुलिस कस्टडी ले लो। सर, कुणाल, कुणाल गाड़ी इधर है। कुणाल, कुणाल देखो मेरी बात सुनो। कुणाल, ना तुम्हारी गाड़ी मेरे साथ जाएगी ना तुम। मुझ पर एहसान करने के लिए बड़ा उतावले हो रहा ना, एक काम करना कि अस्पताल में मेरे बाबूजी के आसपास भी नजर नहीं आना। कुणाल की बात इन बातों का नहीं है। देखो देखो, मैंने तुम लोगों की दोस्ती भी देखी है और दुश्मनी भी। तुम लोगों की दोस्ती ज्यादा खतरनाक है, दिखा नहीं तुमने। पग फेरे की रस्म में तुम्हारे भाई ने कैसे अपना जहर खोल दिया। हॉस्पिटल आपको पुलिस कस्टडी में जाना होगा। चलिए बैठिए। कुणाल, कुणाल, कुणाल देखो, कुणाल मेरी बात कुणाल, अस्पताल आ रहा है। He's on his way। यानी भैया का केस खत्म हो गया? नहीं, वो पुलिस कस्टडी में आ रहा है बाबूजी से मिलने। अब कैसी तबीयत है उनकी? डॉक्टर्स तो हाथ खड़े कर चुके हैं राहुल। मैं पता नहीं बाबूजी की जान किस चीज में अटकी हुई है। शायद भैया के आने का इंतजार कर रहे हैं। एक बार उनसे मिल ले, उसके हौसला रखो पिया, कुछ नहीं होगा तुम्हारे बाउची को। बाउची को अगर कुछ नहीं हुआ तो कुछ नहीं होगा राहुल, लेकिन अगर बाउची को कुछ हुआ तो बहुत कुछ होगा, क्योंकि तुम्हारे भाई साहब दुश्मनी की हद को तोड़कर बहुत आगे निकल गए। क्या बाउची और वहां भैया पुलिस स्टेशन में, सच मैंने कभी नहीं सोचा था कि जेठ जी इतनी नीचता तक गिरने की खूबी रखते हैं। या फिलहाल इन बातों में मत उलझो, जस्ट बी विथ योर डैड। हमारे साथ जो पाप हुआ है या जो हो रहा है बाद में निपट लेंगे ना। बाद में राहुल और पिया साथ है भी या नहीं क्या पता। पिया, राहुल मेरा आने वाले पलों पर से भरोसा उठ चुका है, क्योंकि अगर आने वाले पलों में बाबूजी नहीं तो हम दोनों भी साथ नहीं होंगे। ये बात तो तय है। तो किनारों के बीच जो पुल हम बनाना चाह रहे थे ना राहुल, वो शायद हमारा बचपना था, हमारी शादी, हमारा रिश्ता, ये सब शायद शुरू होने से पहले खत्म हो जाएगा राहुल। This is not fair, Pia. रामा परिवार ने जो करबंदा परिवार के साथ किया था, सबसे quite unfair था। मैं तुमसे मिलने अस्पताल आ रहा हूँ पिया। हालांकि कुणाल ने मना किया था, लेकिन नहीं, अगर भैया ने तुम्हें मना किया है तो तुम यहाँ हरगिज़ नहीं आओगे। तुम भी उन लोगों की भाषा बोलने लगे? तुम भी ऐसा कह रही हो? शिकायत मुझसे मत करो, हालात से करो। शायद यही एक फर्क है तुम में और मुझ में पिया। मैं कभी हालात को अपने प्यार पे हावी नहीं होने देता, कभी नहीं। मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। अभी कर लेना इंतजार, पर आने वाले पलों से ज्यादा उम्मीद मत रखना राहुल।
बाबूजी की तबीयत कैसी है? लगता है जैसे आप ही का इंतजार कर। ऐसा मत कहो गार्गी। ऐसा मैं नहीं कह रही हूँ, डॉक्टर से कहा। और शाइना कहाँ है? पड़ोस में सुलाकर आई हूँ, आप जल्दी जाइए ना, उनसे मिल लीजिए। इतना बेबस, इतना बेसहारा तो मैंने आपको कभी नहीं देखा बाबूजी। ऐसे हार कर कैसे जा पाएंगे आप? कुनाल बेटा। हाँ बाबूजी। बेटा आ गया तू? हाँ बाबूजी। मैं आपसे पूछने आया हूं कि आप घर कब तक आ रहे हैं? वक्त रहा तो तेरे सवाल का जवाब जरूर दूंगा। तू मेरा एक काम करेगा? हाँ बाबूजी बोलिए। लांबास के यहां फोन कर, रमन से कह मैं उससे मिलना चाहता हूं। क्या? तूने सही सुना, रमन से कह वो मुझे यहां हॉस्पिटल में आके मिले। पर क्यों भाऊजी? जिंदगी भर तो तूने मुझसे सवाल नहीं किया, और आज जब मैं इस हालत में हूं तो तू सवाल पे सवाल किए जा रहा है। कुनाल, अगले लम्हे की गारंटी नहीं है, और तू वक्त बर्बाद कर रहा है। जा बेटा जा, रमन लांबा से कह कैलाश घर बंदा उससे मिलना चाहता है। जा जा बेटा। सामे जश्न है, जश्न उस खुशी का जो जमीन से छलक कर आसमान का रुख करती है। आज इस रात के सा आसमां को इस सदा से रंग दो कि देखने वाले को भ्रम हो जाए कि ये दिन है। आज इस रात को दिन कर दो। गलती कर रहे हैं आप भैया, इस रात को इतना भी रोशन मत कीजिए कि इसकी रोशनी में आपकी काली करतूतें साफ नजर आने लगे। आज कई रंगों वाली रात है, जिसे जो रंग रास आए वो उसे चुन ले। फिर गलत। आज तो वो रात है जब मेरे पुण्य में आपने अपना पाप खोल दिया। वो शगुन का सामान था भैया, जिसमें आपने अपने नापाक इरादे छुपाकर खरबंदास के घर भेज दिया। खरबंदे ने तुम पर कुछ ऐसा जादू कर दिया है कि तुम्हें उनके यहां सारे पुण्य और अपने घर में सिर्फ पाप नजर आते हैं। प्रियंका इस घर में आकर लांबा नहीं बन सकी तो उसने तुम्हें खरबंदा बना दिया। भैया प्लीज, भाई पुराना घिसा पिटा राग मत अलापिए। यू आर वेरी स्मार्ट मैन, आप अच्छी तरह जानते हैं मैं क्या कह रहा हूं। बात उस 50 लाख रुपए की हो रही है
जो आपने शगुन में छिपाकर उनके घर भिजवा दिया, जो आपने तो मैंने इसलिए भेजा था क्योंकि वो मुझसे बतौर रिश्वत के मांगा गया था। क्या कुनाल खरबंदा महज प्रियंका का भाई नहीं, ही इज अ करप्ट म्युनिसिपल कमिश्नर। अब फिर से झूठ बोल रहे भैया। मेरे पास इस बात के सबूत है ब्रदर। और अब तुम्हें हमसे हमारी सच्चाइयों का सबूत चाहिए। घर में कचहरी बैठेगी अब और सबूतों के आधार पर रिश्ते निभाए जाएंगे। लेकिन डैड, जब तक तुम्हारी मोहब्बत का अंधापन तुमसे ताल्लुक रखता है हमें वहीं तक मंजूर है। तुम्हारी मोहब्बत को कारोबार में दखल देने की इजाजत नहीं है। कह देना मोहब्बत से के दिल में ही रहे, दिमाग को चढ़ने की कोशिश की तो मुसीबत हो जाएगी उसके लिए भी और हमारे लिए भी। डैड, जायज ना जायज तुम्हें जो चाहिए ब्रदर तुम मुझसे मांगो, मैं तुम्हें दूंगा, बड़ा भाई हूं तुम्हारा। हालांकि डैड ने सख्त मना किया था कि राहुल को दिखाने की जरूरत नहीं है, तुम्हें सबूत चाहिए मैं दूंगा। तुम्हें देखना है ना कुनाल खरबंदा का दूसरा चेहरा, आज इस रात की रोशनी में तुम वो भी देखिए। पचास लाख से कम की बात की तो ऐसे ही बैठे रहोगे, समझे? चलिए 50 लाख आपको दिए, चेंबूर की फैक्ट्री तो खुलवा दीजिए। फैक्ट्री कब तक खुलवा देंगे? 50 लाख मिलते ही घर के बाहर आतिशबाजी और तुम्हारे कमरे में अंधेरा। बाहर की रोशनी से नजर क्यों चुरा रहे हो रमन? बाहर के इस रंगीन रोशनी की परछाइयां मैं तुम्हारे चेहरे पर देखना चाहती हूं, वो परछाइयां जो तुम्हारे चेहरे की खुशी को चार चांद लगा देंगी। दिखाओ तो जरा। तुम्हारी जबान पर आजकल कुछ ज्यादा ही तंज आने लगे हैं। आज की रात मुझ पर क्यों ध्यान देते हो रमन? आज तो तुम्हारे जश्न की रात है। इस खुशी से ज्यादा तुम्हें और कोई खुशी खुश नहीं कर सकती कि कैलाश खरबंदा तुम्हारा सबसे अजीज दुश्मन तुम्हारी एक ही वार पर हॉस्पिटल पहुंच गया है। अपनी जिंदगी और मौत से जूझ रहा है वो। ये जश्न तो तुम्हें बड़े गुरूर के साथ मनाना चाहिए। ऐसा क्यों है रमन कि मुझे ना तो तुम्हारे चेहरे पर वो गुरूर नजर आ रहा है और ना ही वो खुशी? इस उम्र में आकर अपनी नजर पर एतबार नहीं करना चाहिए। और इस उम्र में आकर पत्नी पति को देखने के लिए सिर्फ आंखों की मोहताज नहीं होती। हेलो, प्रियंका बोल रही हूँ डैड। आपके आपके सुनने में तो आया ही होगा कि बहुजी। हाँ, सुनने में आया है कि उन्हें दिल का दौरा पड़ा एंड इट्स अ मेजर हार्ट अटैक। ठीक सुना आपने, कैलाश खरबंदा ने आपसे मिलने की इच्छा जाहिर की है। पर हो सकता है कि ये
उनकी आखिरी इच्छा। माफ करना, उनकी इच्छा पूरी नहीं हो पाएगी। मैं नहीं आपको। ये तुम्हारा कैसा दुश्मन है रमन, जिसे मरते हुए तुम देख नहीं सकते? विदा हो। तुमने रमन लांबा को फोन किया था? हाँ। क्योंकि इस वक्त मुझे सिर्फ अपने बाऊजी हॉस्पिटल में नजर आ रहे हैं। फिलहाल मैं उनकी हर इच्छा पूरी करूंगी। इस वक्त मुझे और कुछ नजर नहीं आ रहा है भैया। सिर्फ इस वक्त ही नहीं, तुम्हें पहले भी कहां कुछ और नजर आता था? अगर नजर आता तो तुम राहुल के साथ कभी शादी नहीं करते, और लामा तुम्हें मोहरा बनाकर हमारे खिलाफ इस्तेमाल कभी नहीं करते। शादी के बाद पहली रस्म में उन्होंने अपना जहर घोल दिया। भैया, मुझे और राहुल को जरा भी अंदाजा नहीं था कि मर्याद। तुम्हें यह भी अंदाजा नहीं होगा कि इस सब में राहुल का भी हाथ। भैया, और उसने तुमसे शादी तुम्हारा इस्तेमाल करने के लिए और हमसे दुश्मनी निभाने के लिए की है। भैया, उसकी रगों में लामबास का खून है, और एक बार खून में खराबी आ जाए तो उसे दिल भी साफ नहीं कर सकता। राहुल के खून में ऐसी खराबी नहीं है भैया। भैया, दानवों के घर भी देवता पैदा हुए हैं। आप सरासर गलत हैं। तो ठीक है, तुम सही के साथ रहो और मैं गलत के साथ रहता हूँ। तुम राहुल पर यकीन करती जाओ, और जो जो गलत हमारे साथ हो रहा है उसे होने दो। आज तुम्हारे बाबूजी और तुम्हारे भैया की जो हालत है वो उस राहुल पर यकीन करने की वजह से है। अगर ये कहीं सच निकला कि इन सब में राहुल का भी हाथ है, तो मेरे पैरों तले की जमीन और सर के ऊपर का आसमान दोनों ही बदल जाएंगे भैया। कुणाल साहब, हो गया ना यहाँ पर जो होना था। अब आपको हमारे साथ पुलिस स्टेशन चलना पड़ेगा। जब तक मेरे बाबूजी की तबीयत संभाल नहीं जाती, मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगा। तो क्या हम सब यहाँ पर ट्रीटमेंट पूरी होने तक इंतजार करेंगे? आप अपना केस बहुत खराब करते जा रहे हैं मिस्टर खरबंदा। आपको जो करना है आप कीजिए, मैं एग्जैक्टली वही करूंगा जो मुझे करना है। भैया, मुझे तुम्हारी सलाह की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि अब तुम मुझे लांबा नजर आती हो। उधर बाबूजी ने रमन लांबा से बात करने की गलत इच्छा जाहिर की, और तुमने मौका पाते ही अपने ससुर को फोन कर दिया। एक गलती को और गलत कर दिया। यानी आपको लगता है कि मैं भी उनका साथ देने लगी हूं? लो, आ गया अपनी एक नई चाल लेकर। जाओ, अपने पति का साथ दो और उसे मुझसे दूर रखना। क्यों आए हो तुम यहां? मैंने मना किया था ना यहां आने से। दिया, अगर मेरे यहां ना आने से हालात बेहतर हो जाते तो मैं यहाँ कभी नहीं आता। राहुल, प्लीज, मैं तुमसे यहाँ बात नहीं कर सकती। स्विचेस को तो ठीक है, किसी ऐसी जगह चलते हैं जहां बात हो पाएगी।